में सबसे पहले ग्लूकोज से, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज मैंने यहाँ लिख रखा है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मैंने जब फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया था तो जो एंजाइम लगते हैं, कैसे एंजाइम के नाम है वो सब मैंने आपको बताए थे। आज मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है, मतलब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। कौन से कार्बन पे जुड़ रहा है? 6 कार्बन पे जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी ग्लूकोज में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, मींस एक एटीपी एडीपी में चेंज हो गया। ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ आ गया तो एटीपी एडीपी में चेंज हो गया। जहां पर भी ऐड होता है, यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब C6H12O6, यानी कि हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो गया? हेक्सोकाइनेज। एक मैंने आपके लिए रखा, ये जो पहली मैकेनिज्म है ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा आयन की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उस आयन का नाम बताइए। आपको ऑप्शन में बहुत सारे आयन, जिंक है, फॉस्फेट है, दे देंगे, तो उसमें आपको एंजाइम जो आयन है वो कौन सा है? मैग्नीशियम आयन, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी वही है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? आइसोमराइजेशन हो रहा है, समावयवीकरण हो रहा है, यानी कि जो उनकी पोजिशन है, कार्बन की पोजिशन है वो चेंज हो रही है, इसलिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में आइसोमराइज्ड हो रहा है। तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? हमेशा सब्सट्रेट के नाम पे हम एंजाइम का नाम रखते हैं। आपको मैंने सिखाया हुआ पहले से, आपको रिवाइज होता जाएगा जब मैं बोल रही हूँ, साथ साथ आप अपने मन में भी रिवाइज करते रहिए। फॉस्फेट फॉस्फो, ग्लूकोज ग्लूको, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, एंजाइम का नाम क्या हो गया? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। आपको एंजाइम के नाम रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी हार्ट से हार्ट जो मैकेनिज्म है वो हमेशा इजी रहेगी। आपको रटना ही नहीं है कि कौन सा एंजाइम लगेगा कौन से मैकेनिज्म को, आपको सब्सट्रेट देखना है, और सब्सट्रेट को देखने के बाद में इस रिएक्शन में क्या चीज हो रही है उसी का आपको आगे शब्द लगा देना है। तो आइसोमर का मतलब समावयवीकरण, समावयवीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज में है, तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दो मैकेनिज्म समझ में आ गए आप लोगों को, अब तीसरी पे चलते हैं अपन। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, अब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे या बैठ गए होंगे आप लोग मेरे साथ साथ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। आपको मैं साथ साथ आपको लर्न भी होता जाएगा, समझ में भी आता जाएगा। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाई। अब आपने क्या देखा है यहाँ पे? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और आ गया, 6 पे तो ऑलरेडी था यहाँ पे 6-फॉस्फेट, अब यहाँ पे एक पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और आ गया। अब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इसलिए फ्रक्टोज 1,6-डाई, डाई शब्द आ गया। डाई क्यों आया? क्योंकि दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक 6 कार्बन पे, नाम क्या हो गया? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब चूंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और आया है इसलिए देखिए एटीपी फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे काम आ गया, एक एटीपी यहाँ पे काम आया था, ठीक है। और आप यहाँ बताइए, मन में सोचिए कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, वो ही आप इसको देखिए। यहाँ पे सब्सट्रेट क्या है? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, काइनेज फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, यही एंजाइम मैंने यहाँ लिख रखा है। फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है,
और यहाँ पे एक एटीपी काम में आता है। ये तीन मैकेनिज्म समझ में आ गए आपको। अब चौथे मैकेनिज्म में चलते हैं। यहाँ तक की जो मैकेनिज्म है वो फास्फोराइलेशन कहलाती है, यहाँ पे फास्फोरिलीकरण हो, फास्फोरिलीकरण ही हुआ है, मतलब फॉस्फेट, दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हैं यहाँ पे। इसके नेक्स्ट अब जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाता है, दो सब्सट्रेट्स में टूट जाता है या दो अणुओं में टूट जाता है। एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम वहां काम में लेते हैं जब सब्सट्रेट टूट रहा होता है, खंडित हो रहा होता है, वहां पे एल्डोलेज एंजाइम काम में है। ये 6 कार्बन वाला है, ये 6 कार्बन वाला है, यहाँ पे ये तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। पहला है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, क्या 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन वाला है, और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन वाला है, यानी तीन तीन कार्बन वाले दो अणुओं में ये टूट जाता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति। ठीक है, अब हमारे पास जो है दो यहाँ पे सब्सट्रेट आ रहे हैं। इसके बाद ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला है ये भी लगातार फॉस्फोट्राइज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता चला जाता है, आइसोमराइज होता चला जाता है। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें आइसोमराइज हो रहा है लगातार 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। आगे की जो भी मैकेनिज्म है वो यहां से चलेगी 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, क्योंकि ये वाला भी इसी में लगातार कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये दो दो मॉलिक्यूल में चलेगी, एक मॉलिक्यूल तो ये है, एक मॉलिक्यूल इसका आ जाएगा, तो दो दो मॉलिक्यूल में सारी मैकेनिज्म 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से आगे की सारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर से देखिए आप लोग, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आया है, 3-फॉस्फो तो था, 1,3-डाइफॉस्फो H3PO4, यहाँ पे H3PO4 से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है पहले कार्बन पे, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें कोई एंजाइम काम में नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म में कौन सी रिएक्शन में एंजाइम काम में नहीं आता है या कौन सी रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक है। वो रिएक्शन है जब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे अपन। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। दो मॉलिक्यूल किसके बन गए? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यहाँ पे एक एनएडी, दो एनएडी, दो एनएडीएच2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है तो एंजाइम कौन सा लगाएंगे अपन? वही सब्सट्रेट का नाम, ये ट्रायोस फॉस्फेट है, 3 कार्बन वाली है, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको पहले भी बताया था, अगर आपको ट्रायोस फॉस्फेट शब्द याद ना रहे एग्जाम में, आप सिंपल डिहाइड्रोजिनेज लगा दे वहां पे। अगर आपको इतना पता है कि एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी आपका राइट होगा ये क्वेश्चन, डिहाइड्रोजिनेज। इसके नेक्स्ट अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आगे फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाते हैं।
यानी अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये दो मॉलिक्यूल है, इसके सबके दो दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, सबके दो दो मॉलिक्यूल में ये आगे की रिएक्शन चल रही है। तो 1,3-diphosphoglycic एसिड 3-phosphoglycic एसिड के में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमको दो एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो एटीपी निकल गए, ये वाले वन वाले, तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, 3-phosphoglycic एसिड, 3-phosphoglycic एसिड आगे 2-phosphoglycic एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें, 3 की जगह 2 पे फॉस्फेट फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ रहा है, इसलिए 3-phosphoglycic एसिड 2-phosphoglycic एसिड, और इसमें एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-phosphoglycic एसिड 2-phosphoglycic एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 2-phosphoglycic एसिड अब इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-phosphoinolpyruvic एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे डिहाइड्रोजनिक हाइड्रोजनीकरण होता है, एक जल का मॉलिक्यूल निकलता है, एंजाइम क्या है, इनोलेज, और 2-phosphoglycic एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोलपायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोलपायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोलपायरुविक एसिड लास्ट में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे देखो फॉस्फोइनोल है तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, सिर्फ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड यहाँ पे आ गया, तो पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, फॉस्फो निकल गया है, 2 ADP यहाँ पे, फिर से हमको 2 ATP मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक तो अपन को यहाँ पे एटीपी बना है, एक यहाँ पे एटीपी बना है, ठीक है। अब ये पूरी मैकेनिज्म है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और पायरुविक एसिड कौन सा होता है, 3 कार्बन वाला होता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि पायरुविक एसिड जो है वो कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि टोटल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमको नेट कितने एटीपी मिले। देखिए स्टार्टिंग से अब आप लोग देखिए एक बार, यहाँ पे हमारा 1 ATP खर्च हो गया था, 1 ATP हमारा यहाँ खर्च हो गया था, यानी 2 ATP तो इसमें खर्च हो गए थे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गए थे। आगे जब हम यहाँ पे बनेंगे तो यहाँ पे 2 NAD 2 NADPH2, ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके 1 NADH2 से, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था, 3 ATP बनते हैं, आपको मैंने ये चीज बता रखी, फिर से बता रही हूँ, तो 2 NADH2 से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के, 6 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 6 ATP तो यहां बने, ठीक है, 2 ATP यहां बने, जब 1,3-diphosphoglycic एसिड से 3-phospho वन वाला निकल गए, 3-phosphoglycic एसिड से 2 ATP यहां बने, ठीक है, टोटल हो गए 8, और 2 ATP यहां पे बने, तो टोटल हमारे हमको कितने बने, 6+2+2 10 ATP बने ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें से खर्च अपने कितने हुए, 1 और 2 -2, तो कितने ATP मिले हमको, 8 ATP, यानी 1 ग्लूकोज के 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या टोटल ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म में हमको नेट 8 ATP मिलते हैं, ठीक है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ये ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म जो है वो YBA शोषण में भी होती है और MIB शोषण में होती है, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जीव द्रव्य में होती है, ठीक है, कि क्या होता है इसमें, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं। एक बार यहाँ पे मैं एक चीज फिर से समझा रही हूँ, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है तो, कि यहाँ पे ये दो-दो मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल, यहाँ तक तो एक मॉलिक्यूल में चल रही थी अपनी मैकेनिज्म,
यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो दो भागों में टूट गया था, तीन तीन कार्बन वाले, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड से आगे की पूरी मैकेनिज्म चल रही है। तो एक मॉलिक्यूल तो ये है ही अपने पास में, लेकिन जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल इसका और इसमें हो रहा है। तो आगे की जो मैकेनिज्म हो रही है वो दो दो मॉलिक्यूल में चल रही है। इसलिए NADH2 भी दो मिलते हैं अपन को, यहाँ पर ATP भी दो मिलते हैं और यहाँ पर भी हमको दो ATP मिलते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी ग्लाइकोलिसिस की मैकेनिज्म, जिसमें टोटल हमको 8 ATP मिले रेस्पिरेशन से। यहाँ तक हमने आज की क्लासेस हमारी आज यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास जब तक मेरी आती है तब तक के लिए आप लोग इस रेस्पिरेशन को, ग्लाइकोलिसिस को पूरा आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी अगर आप कहेंगे तो मैं इसका जो नोट्स है वो भी मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।